सतना भारत के हृदय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित एक प्राचीन शहर है जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस प्राचीन शहर की यात्रा आपको भारतीय अतीत की तरफ ले जाएंगी, जहां आप इतिहास से जुड़ी कई संरचनाओं को देख पाएंगे। यहां मौजूद धार्मिक और पुरातात्विक महत्व रखने वाले स्थल साल भर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों, सतना अब एक औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है। सतना मध्य प्रदेश का सातवां सबसे बड़ा शहर है, जो अपने सीमेंट फैक्ट्री और सीमेंट उत्पादन के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। इसके अलावा चूना उद्योग के कई छोटे बड़े संस्थान यहाँ स्थापित है। बीड़ी उत्पादन के भी कई संस्थान यहाँ देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस शहर के इतिहास पर नजर डाले तो पता चलता है कि इस शहर का नाम यहाँ बहने वाली सतना नदी से लिया गया है। वैसे तो यहाँ की पवित्र नदी टॉस कुदरती रूप से इसे संवारने का काम करती है। सतना जिला ऐतिहासिक रूप से बघेलखंड क्षेत्र में आता है। इस पर रीवा राजघराने का शासन था, बाद में इस पर अंग्रेजी हुकूमत का आधिपत्य हो गया था। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र का महत्व महाभारत काल से भी रहा है। इसके आसपास जैन, बौद्ध और हिंदू धार्मिक स्थल इस क्षेत्र के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का वर्णन करते हैं। माना जाता है कि रामायण काल में भगवान राम का चित्रकूट आगमन हुआ था, जो इसी जिले में स्थित है। सतना बघेलखंड पठार के उत्तरी किनारे पर मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ शहर समुद्र तल से 315 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तथा इसकी औसत वर्षा 1050 मिलीमीटर है। सतना शहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 730 किलोमीटर दूर है तथा भोपाल से इसकी लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है। दोस्तों, सतना जिला अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। सतना जिले की सीमा पूर्व में रीवा, पश्चिम में पन्ना, उत्तर में उत्तर प्रदेश के बांदा, दक्षिण पूर्व में सीधी तथा दक्षिण में शहडोल, उमरिया व कटनी जिले से लगती है। सतना शहर मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ जिला रीवा मंडल के अंतर्गत आता है। सतना जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 7502 वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार सतना जिले की आबादी 22,28,935 है तथा जिले की साक्षरता दर 73.79% है तथा जिले का जनसंख्या घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सतना जिले को 8 उपखंडों और 11 तहसीलों में विभाजित किया गया है। सतना जिले को मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। सतना जिले के मुकुंदपुर में विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी शुरू की गई है। सतना के मझगांव में हीरा भंडार की जानकारी प्राप्त हुई है। इसके अलावा सतना जिले में बॉलीवुड अभिनेता सरस सक्सेना का भी जन्म हुआ था। सतना जिले के चित्रकूट में गधों का मेला आयोजित किया जाता है। चित्रकूट व मैहर को 2009 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पवित्र नगर घोषित किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में तो इस शहर में कई सारे खूबसूरत व दर्शनीय पर्यटन स्थल मौजूद है जो लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। जैसे बिहार माता मंदिर, यहाँ सतना शहर का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। शारदा माता के दर्शन के लिए पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर आते हैं। इस मंदिर में नवरात्रि के समय बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। यहाँ पर मेले का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ पर आपको शारदा माता के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है। शारदा माता का मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इस पहाड़ी को त्रिकूट पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 1000 से अधिक सीढ़ियां बनाई गई है। अगर आप सीढ़िया से नहीं जाना चाहते तो आप रोपवे से भी जा सकते हैं। रोपवे का चार्ज लिया जाता है। मंदिर से आपको चारों तरफ का मनोरम दृश्य देखने के लिए मिलता है, जो बहुत खूबसूरत रहता है। बरसात के समय आपको यहाँ पर चारों तरफ हरियाली देखने के लिए मिलती है। चित्रकूट धाम, यहाँ सतना शहर में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। प्राचीनतम तीर्थ स्थलों में से चित्रकूट सतना जिले में बसा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम को जब वनवास हुआ था तो अयोध्या से चलकर त्रेता युग में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण समेत सतना के चित्रकूट के जंगलों में 11 वर्षों तक अपने वनवास के समय काटे थे। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित चित्रकूट, जहां भारत के कोने कोने से श्रद्धालु श्रद्धा भाव से यहां दर्शन करने के लिए आते हैं। राम वन मंदिर, यहां सतना शहर की धार्मिक जगह है। राम वन मंदिर में आपको हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा देखने के लिए मिलती है, जो खड़ी हुई अवस्था में है। इस प्रतिमा की खास बात यह है कि इस प्रतिमा की ऊंचाई हर साल बढ़ती है। इसी खासियत के कारण इस प्रतिमा को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर आकर आप पंचवटी भी देख सकते हैं। पंचवटी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर राम जी ने स्वयं 5 वृक्ष लगाए थे, इसलिए इस जगह को पंचवटी कहा जाता है। यहाँ पर आकर आप आम, आंवला, बेल, बरगद और नीम के पेड़ देख सकते हैं। राम वन में तुलसी संग्रहालय भी स्थित है। तुलसी संग्रहालय में आपको पुस्तकों का संग्रह देखने के लिए मिलता है। मेहर का किला, यहाँ सतना शहर का मुख्य पर्यटन स्थल है। मेहर का किला एक प्राचीन स्मारक है। यहाँ किला मेहर रेलवे स्टेशन के पास में स्थित है। मेहर का किला एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और इस किले में रहने की सुविधा उपलब्ध है। आप यहाँ पर आकर अपना रूम बुक करा सकते हैं और इस किले की राजसी सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। भरूद,
यहाँ सतना शहर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ एक बौद्ध साइट है। यहाँ पर आपको पत्थरों पर नक्काशी देखने के लिए मिलती है। भरूत स्तूप सतना जिले से करीब 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर सम्राट अशोक का शिलालेख भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ जगह बहुत खूबसूरत है और एक पहाड़ी पर स्थित है। व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर, यहाँ सतना शहर के पास में स्थित एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ जगह सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको दुनिया भर में प्रसिद्ध सफेद शेर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको सफेद शेरों के अलावा भी बहुत सारे जंगली जानवर देखने के लिए मिलते हैं। मुकुंदपुर जू पन्ना खजुराहो राजमार्ग पर स्थित है। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी को सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया का पहला सफेद शेर मोहन पाया गया था। आपको यहाँ पर सफेद शेर, चीता, हिरन, भालू और मगरमच्छ आदि देखने के लिए मिल जाते हैं। धारकुंडी आश्रम, यहाँ सतना शहर का मुख्य पर्यटन स्थल है। यहाँ आश्रम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यहाँ घने जंगल के बीच में स्थित है। यहाँ पर आपको एक कुंड देखने के लिए मिलता है, जिसमें पानी पहाड़ों से आता है। इस कुंड में आप नहाने का मजा ले सकते हैं। यहाँ पर चारों तरफ का दृश्य हरियाली भरा रहता है। इस जगह को धारकुंडी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस आश्रम में बहता हुआ पानी आपको देखने के लिए मिलता है। माधवगढ़ का किला, यहाँ सतना के सबसे शानदार महलों में से एक है। यहाँ किला सतना शहर में रीवा राजमार्ग में स्थित है। यहाँ किला सतना नदी के किनारे बना हुआ है। यहाँ किला खंडर अवस्था में है। किले के अंदर से नदी का बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिलता है। इस किले के बाहर आपको छतरियां भी देखने के लिए मिलती है। इन छतरियों में शिवलिंग स्थापित है। किले के बाहर का दृश्य भी बहुत अच्छा होता है। श्री वेंकटेश्वर मंदिर, यहाँ सतना शहर में स्थित एक धार्मिक स्थल है। यहाँ मंदिर रेलवे स्टेशन के पास में स्थित है। आप इस मंदिर में घूमने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर विष्णु भगवान जी की प्रतिमा विराजमान है। यह मंदिर बहुत ही भव्य है। आपको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगेगा। भगवान परशुराम सरोवर, यहाँ सतना की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ पर आपको परशुराम जी की एक बड़ी सी प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर एक सरोवर भी बना हुआ है। भगवान परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना वर्ष 2017 में ब्राह्मण संगठन विप्र सेना द्वारा कराई गई थी। यहाँ भगवान परशुराम जी की मूर्ति 15 फीट ऊंची है, जो बहुत ही आकर्षक लगती है। मैत्री पार्क, यहाँ सतना शहर का मुख्य पर्यटन स्थल है। इस पार्क के एक तरफ आपको हवाई अड्डा देखने के लिए मिलता है और दूसरे तरफ आपको एक तालाब देखने के लिए मिलता है। तालाब में शंकर जी का मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पार्क बहुत ही मनोरम है। यहाँ पर बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं। इस पार्क में आपको हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा देखने के लिए मिलती है, जो बहुत ही आकर्षक लगती है। जगत देव तालाब, यहाँ सतना में स्थित एक धार्मिक स्थल है। यहाँ तालाब शहर के बीचों बीच स्थित है। यहाँ पर आपको एक मंदिर देखने के लिए मिलता है, जो शंकर भगवान जी को समर्पित है। यहाँ पर शंकर भगवान जी का शिवलिंग भी विराजमान है। जगतदेव तालाब मानव निर्मित तालाब है। सावन सोमवार और महाशिवरात्रि के समय यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में लोग आते हैं। पन्नी झरना मैहर, यहाँ सतना शहर का मुख्य पर्यटन स्थल है। यह झरना मैहर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झरना घने जंगलों के बीच में बना हुआ है। इस झरने के पास एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर पहाड़ों के बीच में गुफाओं में बना हुआ है। कहा जाता है कि इस मंदिर में साधु संत तपस्या किया करते थे। दोस्तों, इसके अलावा भी सतना शहर में कई सारे खूबसूरत व दर्शनीय पर्यटन स्थल मौजूद है, जो लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।